डीएवी कॉलेज में शताब्दी वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गरीबों को कंबल वितरित किया गया, साथ ही साथ तहरी भोज का भी आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिरकत की, साथ ही साथ पूर्व विधायक सुरेश चंद तिवारी भी शामिल हुए। डीएवी कॉलेज का शताब्दी समारोह चल रहा है और शताब्दी समारोह में तमाम प्रकार के कार्यक्रम इन्होंने रखे हैं, जहाँ संगोष्ठी का है, शैक्षिक गतिविधियों का है, क्रीड़ा गतिविधियों का है, वही आज कंबल वितरण का भी और आर्य समाज की स्थापना के संदर्भ का भी इन्होंने लिया है। मैं समझता हूँ कि भारत की ये विशेषता है कि जब समाज की विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं किसी भी आपदा के समय किसी भी अच्छे सामाजिक काम में उतरती हैं, तो सरकार और समाज के सहयोग से मैं समझता हूँ एक समरसता का भाव जागृत होता है। तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था जो आज डीएवी कॉलेज में किया गया। डीएवी कॉलेज का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, उस अवसर पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया। महर्षि दयानंद ने जिस प्रकार शिक्षा का प्रसार किया, गरीबों की सहायता की, उस उद्देश्य को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि गरीबों को ठंड में कंबल बांटे जाएं और तहरी भोज सभी छोटे बड़े ऊंच नीच जितने भी लोग हैं परिवार के लोग एक साथ बैठकर तहरी का लाभ उठाएं और सब बैठ के इष्ट मित्रों सहित तहरी का खाएं। इन शब्दों के साथ मैं सभी अपने नगर वासियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस अवसर पर वो आए। विशेष रूप से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हमारे दिनेश शर्मा जी ने इस अवसर पर आने की कृपा की और उन्होंने हमारे सभी का उत्साहवर्धन किया। मैं तहे दिल से उन सबका आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि सदैव जनता की का सहयोग हमको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ नितिन त्रिवेदी, वी न्यूज, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।